हेलो हाय नमस्कार। और पहला उत्तराखंड भाई क्या देख रहे हो, लग रहा है ना कहीं खड़ा हूँ हाइट पे। हूँ यार, बिल्कुल हाइट पे हूँ भाई। और इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, और जो व्यू है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं बात करने वाला हूँ ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऑनर से और मेरा बहुत खास दोस्त। अब आप भी कहोगे यार दोस्तों के पास कहीं भी पहुंच जाता है, पहुंचना पड़ता है, क्या करें। और भाई जो मैं दिखाऊंगा ना, कसम से आओ कभी यहाँ पे यार, मजा आ जाएगा। व्हिस्लिंग वुड्स नाम है इसका, और कहाँ से क्या है वो आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर आप आते हैं देहरादून से तो किमाड़ी के रास्ते से आ जाओ, या फिर आ जाओ आप दूसरी तरफ मसूरी की तरफ से, तो हाथी पांव होके जब आप आएंगे क्लाउड एंड की तरफ को, वहां से सचमुच व्हिस्लिंग वुड्स जो नाम रखा है ना भाई ने, पंकज पठोई, बहुत जबरदस्त नाम रखा है। और उसके बाद जब मैं बीच से आ रहा था, मुझे ऐसा लगा सचमुच सीटी बजने वाली है कहीं ना कहीं। दोनों तरफ बांस के पेड़, मतलब ओक अंग्रेजो, और उसके बाद जो रास्ता है ना, व्यू जबरदस्त व्यू है। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ चारों तरफ, और अभी मैं बात करूंगा पंकज से, तो तब तक देख लो। सामने एक रेंज है, अभी बताऊंगा नहीं कौन सा है। ये है आज का बिल्कुल साफ आसमान, सामने पहाड़ियाँ, और अगर इस तरफ दिखाऊं तो सामने है भद्राज। तो अभी बात करता हूँ और उसके बाद देखेंगे हम कहाँ कहाँ क्या क्या। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ आपको मैं किस हाइट पर हूँ। ये देख लो भाई नीचे है ना, ये है बंजी का छोटा भाई, और ये कितनी हाइट पर हूँ, क्या हूँ, ये सारी डिटेल्स और जैसा भी जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज हैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मैं बैठा हूँ इसी टीकड़ी के ऊपर यानी कि टावर के ऊपर पंकज के साथ। चलिए बात करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन आना पक्का भाई। और खास करना जो ये वायुसेना वाले ना, कभी सोचा है यार कोई रिटायर होके ना एयरफोर्स रिटायर होने के बाद में ये सब भी कर सकता है? कर सकता नहीं, कर रहा है भाई। तो आ जाओ, बुकिंग्स कैसे क्या कुछ है सब कुछ मिलेगा। चलो बात करता हूँ पंकज से। हाय पंकज। हाय, कैसे हो यार? बढ़िया दोस्त, मतलब मजा आ गया आज, कैसा लगा यार सरप्राइज देके? बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बहुत बात करनी है तुझसे आज। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई भाई तुमसे। बड़े दिनों बाद हम लोग लगभग नहीं भी तो गिरीश के साथ मिले थे लास्ट टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पहले तीन यार, आज फिर हम दोनों। पंकज यार, मतलब पहले तो ये बता, एयरफोर्स में कितने साल नौकरी किया? 20 साल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कंप्लीट किया, 2018 नवंबर 30 नवंबर 2018 को रिटायर हुआ था। रिटायर हो गया, मतलब रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी कर लेता जी? देखिए नौकरी करनी थी तो एयरफोर्स की क्या बुरी थी। बिल्कुल, ये तो बहुत सही कहा यार तुमने, बिल्कुल सही कहा। कोई नौकरी नहीं है, बिल्कुल, बस ये था कि कुछ करना, अलग करना है, कुछ करना है इसलिए। और ये बिल्कुल सही अलग किया है। चल अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ पहले तो ये बताओ कि ये जो अभी हम किस हाइट पे बैठे हैं यार इस टावर पे? अभी हम जमीन से 60 फीट हाइट पे हैं। एक बार जरा मैं दिखा दूं इनको, हाँ नहीं तो ये बोलेंगे बिल्कुल। ये देख लो भाई 60 फीट पे ऊपर बैठे हुए भाई, इतनी डर लग रही है ना, मैं तो पकड़ के बैठा हुआ हूँ। तो 60 फीट पे हम बैठे हुए हैं, 60 फीट हाइट पे है, आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं। बिल्कुल। और अभी पंकज, इससे पहले कि मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, पहले दूर का नजारा देखते हैं, फिर यहाँ क्या क्या है ये बताता हूँ, ठीक है? तो सामने एक पहाड़ी दिख रही है पंकज, वो सामने अपना हाथ दिखाओ जरा उस तरफ का। हाँ वो कौन सा है? वो आपका विनोग हिल है। हाँ। यहाँ पे हम, ये आपकी विनोग सेंचुरी है। अच्छा, ये विनोग हिल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे काली माता का भी मंदिर है, यहाँ पे ट्रैकिंग और कैंपिंग दोनों होता है, दोनों कर सकते हैं। और एक पहाड़ी जो मेरे पीछे तरफ है, यहीं से दिख रही है पीछे। आप अगर अपने पीछे देखेंगे तो ये भद्राज मंदिर है, भद्राज जी का मंदिर है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस मंदिर है। हर साल 17 अगस्त को 18 अगस्त को यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 4.5 किलोमीटर आपको पड़ता है, कच्ची रोड है भी है, पक्की रोड भी तो है। ये तो बहुत अच्छा ट्रैक भी बन सकता है, बहुत अच्छा ट्रैक है, जिसकी भगवान जी पे आस्था है वो जरूर यहाँ पर आए। क्या बात है, डेली यहाँ पे नहीं भी तो कम से कम 25 से 30 लोग डेली यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं मंदिर में। और मैंने नीचे सुना है कि जब यहाँ से रास्ता जाता है नीचे यमुना पुल जाके मिलती है। ये यहाँ से नीचे आपके 20 किलोमीटर नीचे यमुना ब्रिज है, यमुना पुल है, जो कि वहां से आप चक्राता के भी जा सकते हैं, वहां से आप कैंपटी भी जा सकते हैं, वहां से आप मसूरी भी जा सकते हैं। अब आते हैं वापस पंकज, ये बताओ यार ये जो प्रॉपर्टी लेने का कैसे आया, मतलब आइडिया कैसे आया एक फौजी आदमी और उसके बाद ये सब? और आजकल तो एडवेंचर पार्क की बड़ी डिमांड है ना? देखिए कुछ करने का तो मूड था पहले से ही, रिटायरमेंट के बाद कुछ अलग करेंगे क्या करेंगे, तो बहुत कुछ सोचा अपने पहाड़ में ही कुछ किया जाए। ये जो प्रॉपर्टी है मेरे फादर के नाम पे है। अच्छा। और ये हमने मेरे रिटायरमेंट से काफी पहले पापा के नाम पे थी। अच्छा। तो हमने सोचा कुछ इसी पे कुछ क्यों ना किया जाए, और मसूरी के नाम से हमारे पास अच्छे लोग आते हैं,
बढ़िया लोग आते हैं, लोकल लोग भी हैं, बढ़िया लोग बाहर के लोग भी हैं, बिल्कुल तो इसी को डेवलप करने की सोची। ये बिल्कुल आपका जंगलों के बीच में, और जब यहाँ हवा चलती है हाँ हाँ तो यहाँ पे बांज के पेड़ से जब हवा टकराती है तो बहुत अच्छी आवाज आती है, और बिल्कुल और ठंडा भी होता है। उसी के नाम से मैंने सोचा कि इस साइट को हम डेवलप करें तो विस्लिंग वुड्स एडवेंचर्स क्या के बात है, नाम पे मतलब डेवलप मैंने सही सोचा पंकज, है ना, करें। जो मैं सोचते हुए आ रहा था रास्ते से, बिल्कुल सही सोचते हुए आ रहा था। ये अगर आप इसका व्यू देखेंगे तो यहाँ पे तो नहीं, आप ऊपर से हम इसको रिकॉर्ड करके दिखाएं तो आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा कि हम जंगल के बीचों बीच बैठे हैं एक जगह पे, बिल्कुल, अगर ड्रोन और व्यू लें तो ऐसा ड्रोन व्यू लगेगा कि इसका अगर बीच में लेंगे हम, तो पूरा का पूरा ये ऐसा आएगा कि हमने किसी जंगल के बीच को हमने खाली करके बिल्कुल उसमें बैठे मैं हुए। एक बार घुमाता हूँ, दिखाता हूँ मैं पहाड़ियाँ एक तरफ से। ये देखो भाई, ये है बिल्कुल चारों तरफ, अगर आप देखोगे तो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, मेरे पीछे भी आपको दिख रहे होंगे, सब तरफ पहाड़ियाँ। तो अगर इसका ड्रोन व्यू लिया जाए तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एक जो सेंटर टेबल है, राउंड टेबल, और बल्कि राउंड टेबल भी नहीं कहेंगे, एक अगर परात लें तो उसके बीच में कोई चीज बिल्कुल रखा सही, हुआ बिल्कुल सही, है ना। बिल्कुल सही। तो पंकज ये बताओ यार, यहाँ पर है क्या क्या, क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे, देखिए तुमने मैंने क्या क्या डेवलप शुरुआत की किया थी है? बहुत छोटे तरीके से कि मैंने कहा केवल एडवेंचर का रखते हैं बिल्कुल जी। मैंने एडवेंचर का 2019 दिसंबर में ओपन कर दिया था, उसमें हाँ मेरे पास एटीवी राइड्स जो कि यहाँ का सबसे फेमस है, हाँ एटीवी हाँ राइड्स है, और 60 फीट हाइट से फ्री फॉल जंप, वो जिसको यहाँ पर आप है ये जिस टावर के ऊपर हम खड़े हैं ये 60 फीट हाइट पे है, बिल्कुल, यहाँ पे आपको बांध दिया जाएगा क्या कहते हैं उसको ये मशीन के साथ, सामने है ना, आपके सामने इसमें एक बिल्कुल मशीन लगी है फ्री फॉल जंप, हाँ हाँ हेड रश की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी हेड रश, वो ये इस वाला है भाई, डिवाइस को देख लो। बनाता है। ओके यहाँ से आपको टाई करके इसको नीचे छोड़ दिया जाएगा, आप यहाँ से जंप करेंगे तो आपको फ्री फॉल 60 फीट हाइट में 30 फीट आप गिरेंगे सीधा का सीधा विदाउट एनी होल्ड, मतलब बिना आपको एक एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस कहते होगा हैं। कि आप नीचे गिर रहे हैं, ओके और 30 फीट के बाद आपको मशीन होल्ड कर लेगी हाँ, सो दैट आप इजीली नीचे लैंड कर सके, और कोई खतरा भी कोई नहीं। खतरा नहीं है, कुछ नहीं है, नॉट और बंजी हाँ हाँ जिसमें आपको जर्क लग सकता है या कुछ लग सकता है, तो यहाँ बिल्कुल पर पूरा एकदम कंट्रोल है यहाँ मतलब। पे आपको पूरा कंट्रोल है, और हमारी सारी सेफ्टी अमेरिकन स्टैंडर्ड और इटालियन स्टैंडर्ड को हम लोग मेंटेन करते हैं, तो हमारे ये सारे सारी इक्विपमेंट, चीजें हैं, मतलब भरोसा हमारी कर सारी सकते हैं। इक्विपमेंट जितने भी है सेफ्टी इक्विपमेंट हाँ, सब इटालियन स्टैंडर्ड एंड अमेरिकन तो स्टैंडर्ड, जो यहाँ पर आपके जो इंस्ट्रक्टर साहब रखोगे या रखे हुए हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं, मेरे पास दो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हाईली क्वालिफाइड, क्या दे बात आर है। एनआईएम ट्रेंड एंड हाँ आर हाँ एडवांस ट्रेंड एंड एनआईएम, ट्रैकिंग ट्रेंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो नेशनल इससे इंस्टीट्यूट बढ़कर ऑफ तो मेरे का माउंटेनियरिंग कुछ से भी नहीं ट्रेंड है। है, और ये सर्टिफाइड है, और ये ऑथोराइज वे में इसका रजिस्ट्रेशन है ऑल ओवर इंडिया, सॉरी उत्तराखंड में, ओके पर्यटन विभाग में जो। तो भैया ये था फ्री फॉल, और दूसरा पंकज मैंने यार यहाँ पर भी देखा है कुछ, यहाँ पर भी लगा हुआ है ये सामने, अगर दिखाएं तो ये क्या है सामने। ये सर मेरे पास 6 टाइप्स के बैलेंसिंग ब्रिजेस हैं, हाँ हाँ इन ब्रिजेस के अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से आप इसको कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें अभी ये आपको जो दिखा रहा है, ये जो पतला वाला है जहां मैं रख रहा हूँ अभी, जी हाँ ये कौन ये सा, है, आप इसको स्काई वॉक बोल सकते हैं या स्काई ब्रिज बोल सकते हैं, बिल्कुल इसमें आपको विदाउट एनी सपोर्ट आपको क्रॉस करना है हाँ हाँ 60 फीट हाइट से, ठीक ओके है सर, हाँ हाँ सॉरी ये 30 फीट हाइट पे है, ओके 30 फीट 30 फीट पे हाइट पे आपको क्रॉस करना है, हाँ इसको हाँ हमने 3 वे बनाया हुआ है, अच्छा ये है, और उसके बाद उसके आगे वी ब्रिज लग जाएगा, सामने है बिल्कुल, है उसके ना, बाद स्विंगिंग बैलेंसिंग ब्रिज नीचे ये से, नीचे जो, आप वहां से जाके तीनों राउंड करके आप वापस टावर पे आ जाएंगे ओके वापस इसी टावर पे जी। आएंगे भैया, यहाँ से शुरू करेंगे सामने से जाके फिर वापस यहीं आ जाएंगे। ओके एक तो ये हो गया, फिर इसके ऊपर वाला जो है उसमें हम लोग ये भी स्काई वॉक है, ये बैलेंसिंग स्काई वॉक, वो प्लैंक स्काई वॉक है, ओके यहाँ से आप वहां ये जाएंगे जो बड़ा दिख रहा है अभी, जो जिसमें जी एक एक पट्टी लगी हुई है पूरी, जी है ना, उसके बाद आप वहां जाएंगे, वहां मिस्कलिनियस ब्रिज है, उसमें आपको 40 चैपलिन, स्विंगिंग बिल्कुल प्लैंक्स और बिल्कुल रोप रोप ब्रिज, बिल्कुल, वो दिख आप रहा है सब अलग अलग। इसको आप क्रॉस करते हुए जाएंगे, फिर यहाँ ओके पे डबल रोप ब्रिज में आएंगे, हाँ, ये एक पैर रख के और दो ऊपर से पकड़ एक के, एक हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर, मतलब ऊपर से रस्सी और नीचे पाऊँ, ओके इस टाइप वार करके आप वापस टावर में वापस आएंगे, टावर पाएंगे। तो ये आपके 6 टाइप्स के ब्रिजेस हो जाएंगे। ओके और ये सामने क्या बन रहा है अभी। उसके बाद ये सामने हमारा रेस्टोरेंट है, हाँ हाँ टोटल पाइन वुड में बन रहा है, ओके ठीक है सर, अंदर सिटिंग है इसमें, अप टू 50 पीपल की सिटिंग्स का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, ओके और 50 पीपल के साथ नीचे हमारी किचन है, और इसमें ऑफिस और रेस्टोरेंट हमने रिसेप्शन रखा हुआ है, ओके ठीक है और सर। ये क्या है। सर ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, आप इसको कह सकते हैं फ्लाइंग फॉक्स एक्टिविटीज, फ्लाइंग फॉक्स ओके मतलब आपको एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाना है बिल्कुल, वो जो हाथ फैला के जी। ऐसे हाँ करते हैं अब ना, इसमें आपके पास 5 से 6 एक्टिविटीज मिल जाएंगी, इसमें आप जूम बाइक, सिर्फ इसी में, सिर्फ इसी में, वो इसमें जो हमारे पास आपका आपका अगर मैं देखूं व्हिस्लिंग वुड्स के आपने वीडियोस भी बना रखे जी हैं, जी जी एक वो बाइक वाला है जो हवा में चल रहा है, जी हाँ वो सर, कहाँ होगा। वो सर इसी के ऊपर होगा, इसमें आपकी बाइक लगा दी जाएगी, ओके उसको आप दो तरीके की हमारे पास जो है उनको जूम बाइक्स बोलते हैं या हैंड पेडलर बोलते हैं, आप इसका इस डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके 120 मीटर, एक भैया। सौ देखो बीस मीटर भैया देखो, पैसे वसूल हैं भाई, यहाँ से वहां तक जाओगे और उसके बाद में पैसे वसूल हैं पूरे, देख लो अभी भी। हाँ ठीक है सर, और ये क्या बना रहे हो आप नीचे, ये जो ये नीचे, हाँ जी,
ये क्या ये हमारा सबसे अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है और इसकी हम 31 दिसंबर को ओपनिंग कर रहे हैं। 31 दिसंबर के बाद इसमें 31 दिसंबर मतलब ये आने वाला जी हाँ क्या बात है। और इसके बाद हम 1 दिसंबर से अगर कोई बुकिंग लेना चाहे तो करना चाहे तो हम बुकिंग भी इसमें स्टार्ट करें। 1 जनवरी 2021 से। ओके, और तो कितने हैं ये हमारे टोटल अभी 4 लोगों के लिए भैया। 3 तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं और एक रहा ये, बाद में मत बोलना कि मैंने बताया 4 और दिखाए 3। हाँ ठीक है सर। हाँ, इसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ ओके आपको VIP फीलिंग आएगा। तो एक उसमें कितने लोग रह सकते हैं सर? एक फैमिली का हमने इसमें इंतजाम किया है जिसमें एटलीस्ट आप इसमें 6x6 का आपको बेड मिलेगा, किंग साइज बेड मिलेगा। ओके, उसमें आप 3-4% इजीली विद छोटे बच्चों के। यार अगर मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँ तो मतलब मैं भी रह सकता हूँ? बिल्कुल आप रह सकते हैं, आपकी फैमिली भी छोटा साइज है वो भी आप रह जाएंगे बिल्कुल। और अगर इसमें कोई बड़ी फैमिली आती है या बड़े बच्चे आते हैं तो उसके लिए हम लोग एडिशनल बेडिंग की भी व्यवस्था कर सकते हैं। ओके, ऑन पेमेंट। अगर मान लो कोई आ गया यार, मुझे कोई स्कूल का ग्रुप लेके आना 20-25 लोगों का या 30 लोगों का, उनके लिए भी व्यवस्था है क्या कुछ? ये उनके लिए भी व्यवस्था है मेरे पास। क्या करेंगे आप? अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे सामने, मेरे पास सामने से लेके बिल्कुल सामने उस साइड से लेके इस साइड और ये पूरा ये का पूरा एरिया है जिसमें जहाँ अभी ये यूटिलिटी खड़ी है। ओके, इस पूरे जगह पे हम लोग 50 लोगों की इजिली कैंपिंग का अरेंज कर सकते हैं, टेंटिंग का। ओके, जिसमें लोग काफी लोग पसंद करते हैं आजकल टेंटिंग। बिल्कुल, आजकल टेंट का बड़ा अच्छा चलन चल रहा है, चीप भी रहता है एक फैमिली या एक क्या कहते हैं कपल या फ्रेंड्स के ग्रुप के लिए। बिल्कुल, इजिली 2-6 पीपल टेंट मेरे पास है। ओके, दो लोगों का अगर 6 लोग आते तो एक टेंट में भी अकोमोडेट कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, 2-2 करके 3-3। ओके, और ये सामने जो खेत दिख रहे हैं वो सामने अगर वो भी मेरी एक कैंपिंग साइट है उस साइड में, उसमें अभी मैंने सब कुछ नेचुरल रखा है, कुछ भी नहीं किया, नेचुरल स्टेप से नेचुरल खेते हैं। ओके, अगर उसमें कुछ जैसे कहते हैं कि होम स्टे, वैसे ये एक तरह से मेरे ख्याल से नेचर स्टे हो जाएगा, फिर नेचर स्टे हो जाएगा। और इसमें अभी काफी कुछ प्लान है जो इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस तरफ से। और ये क्या है, ये गाड़ियाँ, बहुत सारी बाइक्स रखी है ये सामने, जो थ्रिल एडवेंचर है। ओके, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये थ्रिल एडवेंचर के उस कैटेगरी में आता है। ये हमारी क्वेड बाइक्स है या आप इसको ATV बाइक्स कह सकते हैं, ऑल टेरेन व्हीकल्स, ऑल टेरेन ओटीवी है ना ये भाई, सामने देख लो भाई। ये 3-4 प्रकार की है, जैसा कस्टमर का टेस्ट होता है उस हिसाब से वो आप डिमांड कर सकते हैं। इसमें डर्ट बाइक्स भी है हमारे पास 100cc से लेके, बच्चों के लिए किड्स बाइक्स भी है हमारे पास। ओके, और उसके बाद हमारे पास बच्चों की ATV भी है छोटी वाली, और इसमें बड़ों के लिए भी हमारे 600cc, 400cc, 250। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग पबजी लवर्स हैं उनके लिए पबजी बाइक्स भी, पबजी बग्गी भी है हमारे, मतलब एक तरह से पबजी मोबाइल से निकल के यहाँ ले आएगा, तो जमीन पे ले आए। और इसका ट्रैक हमने बहुत इंटरेस्टिंग बनाया, अगर आप ट्रैक दिखाओ यार एक बार मुझे, ट्रैक बताओ जरा, ट्रैक बताओ एक बार। तो भाई टावर में है आज पंकज, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत टाइम बाद पंकज मिला हुआ है, तो मैंने कहा पंकज से अच्छा और कौन बताएगा। अच्छा ये रहा, ये जो नीचे है यहाँ से आप ट्रैक जाएंगे इधर से, ये इधर से घूम के आए, ये आगे सर रेलिंग वाइज चलेंगे। बिल्कुल सामने जो नीचे, भाई रेलिंग देख लो, रेलिंग देख के और ये आए, बिल्कुल ऑफ रोड व्हीकल्स है। ये है आपका 320 मीटर का ट्रैक है सर, 320 मीटर का ट्रैक है। यहाँ से आप घूम के इसमें चढ़ाई उड़ाई करके वापस आप स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो फिर से हम यहाँ से इतना ये घूम घाम के और फिर से हम यहीं आ गए, क्या बात है पंकज। यार एक बात बताओ, अभी ये सारा कुछ तो हो गया है ना, अब अगर बात कर लें थोड़ा पैसे वैसे की, तो क्या है कॉस्टिंग, कैसे है क्या है, अगर कोई एक आना चाहे उसका कैसे है पर पर्सन या किस हिसाब से? सर अगर एक्टिविटीज के लिए कोई बंदा आता है तो एक्टिविटीज राइट फ्रॉम 200+ GST से शुरू होकर हमारी एज ऑफ डेट जो अभी ओल्ड रेट है हम लोग रिवाइज करने की सोच रहे हैं 1 तारीख से रिवाइज के लिए नए रेट्स के लिए। ओके, क्योंकि सीजन भी शुरू होने वाला है, एज ऑफ डेट जो हमारा रेट है 200+ GST से शुरू होकर 600+ GST की हमारी एक्टिविटीज। ओके, सबसे सस्ती एक्टिविटीज हमारा अगर ये बैलेंसिंग ब्रिजेस है जो अभी हमने दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये रहा भाई बैलेंसिंग ब्रिज, हाँ तो इससे शुरू होता है। और सबसे कॉस्टली एक्टिविटी है हमारी क्वाड बाइक्स, क्वाड बाइक्स है 600cc राइड 2 लैप्स, वो 600 के रेंज पे आता है। 600 में आप 320 मीटर आपने बताया था, 320 2 राउंड पैसे वसूल है मतलब है ना। और अगर आप ये जंपिंग की बात करें तो बहुत ही चीप और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, अगर आप कहीं और जाएंगे तो आपको 2,000-4,000 लोग चार्ज करते हैं, हम लोग केवल 500 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ 500 ओनली। यार मैंने भी पूछा था, मेरा करने का मन था पहले, लेकिन मैं उसके बाद गया था तो पैसे बहुत बोल रहे थे जी, तो मतलब इतना सस्ता, ओनली 500 रुपीज में आप लोग बंजी फील कर सकते हैं, बंजी का फील भी होगा और फ्री फॉल का फील भी होगा ना? और आप बिल्कुल सेफली रिकॉर्ड करेंगे, लैंड करेंगे, वीडियो बना सकते हैं आप इजीली। क्या बात है पंकज, चलो ये तो था, सारी बातें हो गई, लोग सोचेंगे यार कि ऐसे ही अगर क्या, अगर किसी को विजिट करना है
तो कैसे कैसे किस किस माध्यम से देख सकता है आपको, इंटरनेट पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है? सोशल मीडिया पे फेसबुक विस्लिंग वुड एडवेंचर करके सर्च मारेंगे तो फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसमें आप बुकिंग भी ले सकते हैं। कौन सा? विस्लिंग वुड्स एडवेंचर। ओके, विस्लिंग वुड्स एडवेंचर, सुन लो भैया ध्यान से। हाँ ठीक है सर। दूसरा व्हाट्सएप नंबर्स है मेरे, उसमें मैंने डिजिटल अभी क्या कहते हैं वो खोला हुआ है, शोरूम खोला हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, जिसको भी देखना है उसमें चेक कर सकते हैं। ओके, और तीसरा सर हमारे का कोई मसूरी आता है, मसूरी में हमारे बोर्ड्स वगैरह लगे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स उसमें लिखे। ओके, हाँ वो तो मैं देखता हुआ आ रहा था बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हम लोगों ने मसूरी से और हाथीपांव से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी रखी है, तो मुझे अभी पहुंचाओगे? बिल्कुल पहुंचा देंगे। पहुंचाओगे? फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपकी गाड़ी यहीं रह जाएगी। आया तो मैं अपने उससे हूँ, नहीं गाड़ी भी पहुंचानी पड़ेगी यार, ऐसा तो नहीं चलेगा काम। देखिए, अगर चार और चार से ज्यादा पर्सन है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप एंड ड्रॉप रखते हैं। कहाँ से? हाथीपांव से भी, मसूरी से। मसूरी से भी, क्या बात है। क्योंकि रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 4x4 गाड़ी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, तो हम लोग अपनी 4x4 गाड़ी में ओपन जिप्सी है हमारे पास, बोलेरो है हमारे पास, बिल्कुल, और हमारे पास टाटा जेनवन भी है। मतलब पूरा फील दोगे, जंगल सफारी टाइप, जंगल सफारी का फील आएगा। आप लोगों के पैसे वसूले, आपको बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग ज्यादा पैसा आपसे ले। ओके, थैंक यू पंकज, अभी फिर मिलते हैं और मुलाकात होती रहेगी। बाकी जितने लोग भी हैं भाई, देख लो, आओ मजे करो, बाकी मेरा जुगाड़ भी चल जाएगा यार, थोड़ा सा बोल देना मुझे आओगे तो ना, और बोल देना मेरा यूट्यूब में देखा था तो इसलिए आ गए, पंकज थोड़ा बहुत कंसेशन दे देगा। पर्सनल के लिए हैवी डिस्काउंट फ्रॉम माय, ये दोबारा बोल दो यार। डिफेंस पर्सनल के लिए हैवी डिस्काउंट फ्रॉम माय साइड सर। ये तो मतलब पूछने की भी जरूरत नहीं थी मुझे, मैं खुद ही लिख देता, लेकिन पंकज ने बता ही दिया, तो डिफेंस वाले जितने भी हैं और एयरफोर्स वाले भाई लोग आ जाना भाई, और बाकी मेरे जुगाड़ से आ जाना, देख लेना। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ इस ऊंचाई पे, पंकज के साथ बातें कर रहा था, हाइट पे बातें करके ना और दोस्ती का वो जुनून, सचमुच मजा ही आ गया। और बाकी व्हिस्लिंग वुड्स पक्का आओ यार एक बार, सही में पक्का आओ, अगर पैसा वसूल नहीं हुआ ना तो फिर देख लेना आप। तो फिलहाल हम चलते हैं, कुछ मस्ती करते हैं, और जितना भी इसकी वीडियोज हैं, व्हिस्लिंग वुड्स की वीडियोज हैं, क्या क्या है यहाँ पे, वो आपको व्हिस्लिंग वुड्स एडवेंचर पे जब जाएंगे उसके पेज पे व्हाट्सएप पे, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आओ हमारे पहाड़ों के बीच इसी उत्तराखंड में, जहां पर है हाथी पांव से बिल्कुल 4-5 किलोमीटर दूर व्हिस्लिंग वुड्स, आओ भैया पक्का। इसको कहते हैं भाई खजूर से गिर, आसमान से गिरो खजूर पे लटके, तो ये बीच में स्काई वॉक चल रहा है।